तो आज हम खड़े हैं विकास नगर कानपुर में और अभी बन रही है यहाँ पर चाउमीन। तो आज हम देखेंगे सीखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर चाउमीन ये लोग बनाते हैं और किस तरह से उसमें फ्लेवर देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन होती है इनकी, बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन बनाते हैं ये। तो आज हम जानेंगे इसका क्या राज है आखिर। देखिए शिमला मिर्च कानपुर में, शिमला मिर्च प्याज डाल दिया गया है, शिमला मिर्च और प्याज डाल दिया गया और प्याज को अब भुना जाएगा ताकि गुलाबी और यहाँ पर ये बंदा गाजर। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, मतलब देखते ही पानी आ जाए मुंह में। थोड़ा सा और बंदा और थोड़ी सी और गाजर, वाह, थोड़ी सी और शिमला मिर्च। जो बंदा और जो शिमला मिर्च का जो फ्लेवर है ना, वो मतलब चाउमीन में चार चांद लगा पाए, पानी आ जाता तुम्हारे मुंह में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अभी हम खड़े हैं कानपुर के विकास नगर में, अब इसको कलहारेंगे। ये बच्ची बता रही है इसको कलहारेंगे, यहाँ के नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत पसंद करते हैं इनकी चाउमीन को, बड़े ही चाव से खाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये उसको हल्का हल्का सा, अब ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज करता जा रहा है। शाम को यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्याज की जो महक है, जो खुशबू है, अब वो आने लगी है। बस यही चीज जो है वो थोड़ा सा फ्लेवर देती है, और भी कई चीजें अभी ये चाउमीन में डालेंगे, हम देखेंगे अपने वीडियो में। अभी कानपुर वासियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देखें, कमेंट करें, और क्योंकि ऐसी मतलब लाजवाब जायकेदार चाउमीन आपको कहीं नहीं मिलेगी, से मिलेगी कानपुर में। भैया कनपुरिया है, कनपुरिया चौकस चाउमीन खाते हैं। और ये देखिए चाउमीन डालना शुरू कर दी, वाह वाह वाह, क्या बात है, अमेजिंग। ये है हमारे भैया जो चाउमीन बना रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? छोटू। भैया का नाम है छोटू, और ये बहुत ही अच्छी चाउमीन बनाते हैं, बहुत अच्छे जाने जाते हैं यहाँ के चाउमीन बनाने के लिए छोटू भैया। छोटे भैया की चाउमीन तो भैया कौन नहीं खाएगा। और इसमें थोड़ा सा बंदा और, मतलब बंदा ना हो तो चाउमीन ना हो, हर बंदे के लिए बंदा है, क्या बात। आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? बस क्या कहें, पानी आ रहा है मुंह में। हाँ हाँ हाँ, इंतजार कर रहे हैं कितनी जल्दी बने और कितनी जल्दी आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कर रहे हैं और बाकी ग्राहक भी कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक जो पड़ा है, नमक में भी मतलब आपको जानकारी कर दे रहे हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा हल्दी, हल्दी नहीं है ये, अच्छा ये धनिया है पिसी हुई, ये चीनी मिर्च है, चीनी मिर्च है, ये थोड़ा सा स्वाद आएगी। और ये अजीनो मोटो, और ये पड़ा यहाँ पर सोया सॉस, विनेगर आया थोड़ा सा, हिंदी में सिरका बोलते हैं, क्या बात। अब जब इसकी जो भुंजाई होगी ना, और ये ओहो, ये देखिए दोनों हाथों से पूरी लगन के साथ, क्या बात क्या बात। अगर आपने जी भर के पेट भर के अगर खाना खाया हो और अगर आप इसमें चाउमीन और बनते हुए देख लो तो आपकी भूख और बढ़ जाएगी, और इसकी खुशबू से तो आप मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, क्या बात। ये बहुत जल्द, बहुत ही जल्द ये तैयार होने वाली है पूरी चाउमीन का जो प्रोसेस है।
क्या बात। बच्चे बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं, इंतजार करते हुए पूछ रहे हैं छोटी जी बन गई या नहीं बनी। छोटू भैया सबका इंतजार, इतना इंतजार क्यों करा रहे हैं, क्यों में पानी आ रहा है। और ये आप परोसी गई इसमें, क्या बात है। देखिए अब क्या क्या डालते हैं। और ये एकदम तैयार है भैया, इसमें थोड़ा सा बंदा थोड़ा डालिएगा, बंदे से तो बंदा बनता है। और ये रहा बंदा, और इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। और ये चाउमीन तैयार है पूरी तरह से खाने के लिए अब। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।